Thank you. आज मौसम अच्छा है ना? हाँ, वैसे मौसम जैसे एक मस्त खबर सुनाओ। सुनाओ। जॉब छोड़ रही हूँ। जॉब छोड़ रही हूँ? यस। पर क्यों? आई वांट टू राइट यार। लिख तो तुम जॉब के साथ भी सकती हो। फ्रस्ट्रेशन नहीं लिखना है, कुछ अच्छा सा फ्रेश लिखना है। पर कुछ सोचा है? सोचने में ऐसा है कि कुछ आइडियाज है जिस पे वर्क करूंगी। मतलब इतना कुछ खास नहीं है मेरे पास, पर कुछ आइडियाज है जिससे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, देखो राइटिंग तुम्हारा पैशन रहा था वो मुझे पता है, पर अचानक सब कुछ छोड़ के राइटिंग? वही तो बात है ना यार, पैशन रहा था, ये पैशन है मेरा, इसी को प्रोफेशन बनाना है। मैनेज कर लोगी? घर की ईएमआई वगैरह मैनेज कर लोगे? हाँ वो मैं मैनेज कर लूंगा, डोंट वरी। तो ये मैं कर लूंगी। ठीक है, पर अचानक सब कुछ छोड़ के राइटिंग, कुछ समझ नहीं आया मुझे। इंटरेस्टिंग बात है ये, ये ख्याल भी तुम्ही से आया है। मुझसे? और मुझे ही नहीं पता। याद है उस दिन मैं रास्ता भूल गई थी? हाँ बोलो शिवानी। मैं यार पता नहीं रास्ता भूल गई हूँ कहीं तो। अच्छा, जाना सिटी सेंटर है पर अभी तो पता नहीं झाड़ी झांकरा वाली जगह है कुछ तो। कोई ब्रिज आया था क्या? हाँ वो ब्रिज तो क्रॉस कर लिया। अच्छा, तो एक काम करो, वहाँ से स्ट्रेट जाओ, फिर आगे जाके राइट, वहाँ एक डाइवर्जन आएगा, वहाँ से फिर राइट ले लेना, तो तुम वो ब्रिज वाली लेन पे वापस आ जाओगी। ठीक है? हाँ पर मैंने तो सिर्फ रास्ता बताया था। हाँ पर तभी मेरे को एक ख्याल आया उस वक्त जाते जाते कि यार लाइफ में कभी भी जॉब है, लव लाइफ है, कुछ भी है, अगर लग रहा है ना कि यार ये वर्कआउट नहीं हो रहा, मेहनत करने के बाद पर लग रहा है कि ये वर्कआउट नहीं कर रहा, तो डाइवर्जन ले लेना चाहिए। वाह मिस फिलोसोफर, है ना? कुछ बताइए हमें ये किताब के बारे में, क्या क्या दिक्कतें आई आपको, या आपके लिए बहुत आसान था लिखना? कहानियां लिखना कभी आसान होता है क्या? कितने किरदारों के साथ उठना बैठना जीना पड़ता है, कई किरदार आपकी आंखों के सामने आके नाचने लगते हैं, तब जाके आती है कहानी, पूरी होती है कहानी। वैसे आपके सवाल से मुझे राहत इंदौरी साहब का हाल ही में छपा एक आर्टिकल याद आ रहा है। उनके शुरुआती दौर में जब लोग उनसे पूछते थे कि काम क्या करते हो, तो कहते थे मैं लिखता हूँ, तो लोगों का जो जवाब होता था वो ये रहता था कि हाँ वो तो ठीक है पर कमाने के लिए क्या करते हो। मुझे लगता है शायद हर लेखक को इस सवाल का सामना करना पड़ता है। और रही बात मेरी, तो मेरी कहानियों में आपको समाज का आईना दिखेगा। अब समाज खुद अपनी शक्ल आईने में देख के डर जाए तो मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा, ऐसा तो क्या है आपकी कहानियों में? पढ़िए आप और बताइए मुझे।